सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। छठी कक्षा में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 32, दिए हुए कोण ई ए बी को प्रकार द्वारा विभक्त करो। हमें एक कोण दे रखा है, सबसे पहले हमें कोण दिया हुआ है ई ए बी, तो हमने ये ई ए बी एक कोण बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले हम ये कोण ले लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी, और हमने लेना है पॉइंट ई। ई कैसे आएगा, आपने यहां से एक रेखा लगानी है, यहां से रेखा लगाएंगे और इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ई, तो ई ए बी, ये हमारा कोण बन गया है। और हमने इसके दो समान भाग करने, प्रकार द्वारा इसको हमने विभक्त करना है। तो विभक्त करने के लिए हमने क्या करना है, ए पॉइंट पर हमने प्रकार रखनी है और यहां से हम इसमें ऐसे चाप लगा देंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से, और जहां पे ये चापे कट रही है इसका नाम दे देते हैं हम पी और डी। तो आपने क्या करना है, पी पर प्रकार रखो और डी जिन्हें प्रकार खोल के आगे चाप लगा दो इस तरह से डॉटेड, और फिर आपने क्या करना है डी पॉइंट पर प्रकार रखनी है यहां से, और पी जिन्हें प्रकार खोल के आपने यहां से चाप लगा देनी है इस तरह से, जहां पे चापे आपस में कट रही है इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं के। आपने क्या करना है, के और ए को आपस में मिला देना, देख सकते हैं यहां से, और ये हमारी आंसर रेखा है, तो ये डार्क लाइन आएगी इस तरह से, इस तरह से। ये हमारा प्रश्न है 32, ये जो रेखा ये है सी ए, जो रेखा आप याद है ये इसको विभक्त करिए ई ए बी को। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 33, दिए हुए न्यून कोण सी ए बी को प्रकार द्वारा तीन भागों में बांटो। सबसे पहले हमने सी ए बी एक कोण लेना है, इसमें ये आपकी रेखा है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, और एक हमने इसमें रेखा लेनी है सी, यहां से हम एक रेखा ले लेंगे, इसका नाम दे देते हैं सी। ये आपका सी ए बी एक कोण बन गया है, इसको आपने तीन भागों में बांटना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक चाप लगाएंगे यहां से, जैसे इस चाप का हम नाम दे देते हैं के, के और पी, हमने के और पी को आपस में मिला देना है इस तरह से, और हमने पी से एक न्यून कोण लेना है यहां से, इस तरह से हम एक न्यून कोण ले लेते हैं यहां पे, और हमने इस पे निशान लगाने हैं तीन, क्योंकि हमने तीन भाग करने हैं, हम यहाँ पे तीन निशान लगा देंगे। देखिए एक दो और एक तीन, हम निशान लगा देते हैं, यह हम नाम लिख लेते हैं एक दो तीन, और हमने तीन जो नंबर आपका रहा है इसको हमने मिलाना है के के साथ, तो हम यहाँ पे इसको के साथ डॉटेड इस तरह से मिला देते हैं। इसी के समानांतर हमने दो से रेखा खींचनी है फिर हमने इसी के समानांतर रेखा खींचनी है एक से इस तरह से, और यहां पे हम इसमें नाम दे देते हैं इसके, जो हम रेखा लगाएंगे उसके हम नाम दे देंगे यहां पे। यहां से हमने पहली रेखा लगानी है, यहां से इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं यहां पे H, और यहां पे हम नाम देते हैं इसका R, तो हमने H और A को आपस में मिलाना है, यहां से हम डार्क लाइन लगा देंगे
आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमने आर और ए को भी मिला देना है, यहाँ से भी हम डार्क लाइन लगा देंगे। और ये आपका जो लाइनें आ रही है इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे ई, इसका नाम हम दे देंगे डी। ये प्रश्न नंबर आपका है 33, ये आपका बनके तैयार।